हाँ जी, की हाल चाल है जी सारे दे। सब तो पहला स्वागत है थोड़ा साडे YouTube चैनल एक सीधे सीधे विच। आज अपन गल करन जा रहे हैं पंजाब दे एक मशहूर पंजाबी सिंगर सोंग राइटर कंपोजर ते एक्टर गैरी संधु दी। जी हाँ, गैरी संधु अपनी आम जिंदगी विच एक देसी या मुंडा तां हैगा ही है, पर उस दे नाल नाल गैरी संधु यारां दा यार भी है, जो हमेशा ही खान साहब ते जी खान वर्गे अपने पक्के यारां नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ा रहा। वैसे तां तुसीं सारे गैरी संधु बारे जानदे ही हो, पर अज दी इस वीडियो राही तुहानू पता लगेगा कि गैरी संधु की परसनल लाइफ की है, उन्होंने माता पिता का नाँ की है, पिंड का नाँ की है, उन्होंने असल नाँ की है, उन्होंने जन्म स्थान की है। इस दे नाल ही होर भी बहुत सारिया गल्लां तुहानू गैरी संधु बारे जानने मिलनगियां। तुहाडा ज़्यादा समां ना लैंदे हुए आपां शुरू करदे हां अज दी इह वीडियो। तुसीं जुड़े रहो इकसी देसी दे नाल। सो सब तो पहला गैरी संधु का पूरा नाँ गुरमुख सिंह संधु है। उन्होंने अपना नाम एज ए सिंगर के तौर पर गैरी संधु रखा। इसका कारण यह सी कि गुरमुख सिंह संधु काफ़ी लंबा नाँ सी, तो उन्होंने अपने नाँ को छोटा करके गुरमुख विचों गैरी रखा, तो उसके पिछे अपना गोत संधु लगाया। उन्होंने अपना नाँ छोटा ता किया क्योंकि छोटा नाँ हर एक इंसान के बहुत जल्दी याद हो जाता है। हुण जे गल करिए गैरी संधु के जन्म की, तो उन्होंने जन्म 14 अप्रैल 1984 जलंधर शहर के पिंड रुड़का कलां विच होया। गैरी संधु का जन्म एक मिडल क्लास जट सिख परिवार विच होया। उन्होंने पिता जी सरदार सोहन सिंह संधु जो कि पेशे वजो एक ट्रक ड्राइवर का काम करते। गैरी संधु के माता जी का नाम अवतार कौर सी। गैरी संधु अपने माता पिता दोवां नूं ही बहुत प्यार करते। हालांकि उन्होंने माता पिता इस दुनिया विच नहीं रहे, पर गैरी संधु की गर्दन उत्ते अज भी तुसी अपने माता पिता जी का नाम खुणिया देख सकते हो। सो इत्थों पता लगता है कि गैरी संधु अपने पेरेंट्स नूं किन्ना चाहुंदे सी। गैरी संधु के भरा का नाम मंगा संधु है, तो गैरी संधु की एक भैन भी है जिन्हों का नाम ऐशमीर। गैरी संधु के विआह की गल करिए, गैरी संधु अजे अनमैरिड ने, वो फिलहाल विआह नहीं करवाना चाहते, पर पिछे जे कुछ दिनों तो उन्होंने पंजाबी सिंगर जैसमिन सैंडल्स नाल काफ़ी बार देखा जाता रहा है, जिस तो कई सवाल खड़े होंगे सी कि किते गैरी संधु ते जैसमिन सैंडल्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो नहीं, पर गैरी संधु लाइव होकर इन्हों सारे क्वेश्चनस का आंसर दे चुके ने कि उन्होंने दोवां विचकार इदां दी कोई भी गल नहीं। गैरी संधु की उम्र 2021 के हिसाब नाल 37 साल हो चुकी है, तो उन्होंने शरीर की लंबाई 6 फुट है। जे उन्हां दी पढ़ाई की गल करिए, गैरी संधु बहुते पढ़े लिखे नहीं, वह पढ़ाई लिखाई विच होशियार नहीं सी, वह 10वीं विचों ही फैल हो गए सी। स्कूल टाइम गैरी संधु शरारती सुभा दे सी, वह अक्सर स्कूल विचों भज जाया करदे सी, पर जे गैरी पढ़ाई विच कमजोर सी तां वह खेडण विच उन्ना ही चंगा सी। वह स्कूल टाइम दौरान फुटबाल, कबड्डी, पिट्ठू गरम वर्गियां गेमां अक्सर खेडदा रहा। बचपन तो ही गैरी संधु गीतां दे नाल जुड़िया होया सी। अपने पिता जी के ट्रक विच वह अक्सर चमकीले दे गीत सुनिया करता सी। अपने पिंड जदों गैरी संधु मझां नहाउंदा तां उच्ची आवाज विच गाने सुनदा ते नाल नाल मझां नहाई जांदा। सो इदां गीत सुनदे सुनाउंदे गैरी संधु नूं गीत गाउण दा शौक पै गया। जदों गैरी संधु तकरीबन 13 साल का सी, उदों उसने गुरदीप सिंह तों कविश्री सीखी, ते वह अपने दोस्त जग्गी संधु नाल गुरद्वारा साहिब विच धार्मिक गीत गाया करता सी। गैरी संधु सिंगर तो बनना चाहता सी, पर पैसे की कमी उसके राह विच रोड़ा बनी हुई सी। सो गैरी संधु 17 साल की उम्र विच इंग्लैंड चला गया। उत्थे उन्होंने मजदूरी का काम भी किया, फिर उन्होंने सेल्समैन का काम भी किया। इंग्लैंड पहुँच के ही गैरी संधु ने गाने लिखने शुरू किए सी। उस तो पहला वह गीत नहीं सी लिखते। इस तरह अपना पहला सोंग रिकॉर्ड कराने लई गैरी संधु नूं 8 साल मेहनत करनी पई। सो करदे करांदे सन 2010 विच गैरी संधु ने अपना पहला सोंग रिलीज़ किया, जिसका नाम सी मैं नहीं पींदा हाण दी तेरा इश्क पियांदा नहीं। सो उन्होंने इस गाने नूं लोगों ने बहुत प्यार दिता। इस तों बाद उन्होंने होर भी सोंग रिलीज़ किए, जैदा कि दिल दे दे, फ्रैश, साहा तो प्यारिया, टौर। उन्होंने सारे के सारे सोंग सुपरहिट रहे। सन 2011 विच गैरी संधु नूं ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड्स द्वारा बेस्ट मेल एक्ट का अवार्ड दिता गया। गैरी संधु की फस्ट एल्बम का नाँ फ्रैश सी। इस एल्बम विच 7 गाने गैरी संधु के आप दे लिखे हुए सी। इसे दौरान जो गैरी संधु एक वधिया सिंगर बन चुका सी, उत्थे ही उन्होंने कुछ माड़ा समा भी देखना पिया। दरअसल गैरी संधु जो इंग्लैंड आया सी, तां वो बिना पासपोर्ट के इंग्लैंड आया सी। उसके कोई भी प्रूफ वगैरह नहीं सी। वह अलीगल तरीके इंग्लैंड गया सी, इंग्लैंड विच गैर कानूनी तरीके रह रहा सी। सो सन 2013 विच उन्होंने यूके पुलिस वालों गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 4 दिन लई जेल विच रखा गया। जेल विच गैरी संधु नूं बहुत ही छोटे कमरे विच कैद किया गया, जिथे किसी बंदे लई 1 घंटा भी रहना बहुत औखा है। उत्थे गैरी संधु नूं उस छोटे कमरे विच 4 दिन कैद करके रखा गया।
ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ ਜੇ ਦਾਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਖਰਕਾਰ 4 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਮਗਰੋਂ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੌਂਗ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜੱਗੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਟ ਸੌਂਗ ਆਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਈਗੋ, ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਲੱਡੂ, ਯੈ ਬੇਬੀ, ਲਵ ਯੂ ਜੱਟਾਂ। ਸੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ 2019 ਵਿੱਚ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 뮤직 ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਿੰਗਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਦੀਵਾਨੇ ਨੇ। ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰੋਮੀਓ ਰਾਂਝਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 2020 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ 2 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਰੈਕਰਡਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੌਂਗ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੈਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਪਾਲਣ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਐਲਬਮ ਦਾ ਨਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਮੀਡੀਆ ਰੈਕਰਡਸ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੋ ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਗੈਰੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਕਹਾਣੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ ਉਸਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।